जब नापा ना यहां से तैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह। सबसे सीनियर मंत्री क्या होता है? जैसे रेलवे एक डिपार्टमेंट, तो रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी तो चालू हो जाती है ग्रुप डी से, वो करो नीचे से चालू हो जाता है, लोको पायलट ऊपर होता है, एकदम नीचे से चालू हो जाता है, वहाँ धीरे धीरे ऊपर बढ़ते बढ़ते टीटी गार्ड ट्रेन ड्राइवर ये सब होते हुए स्टेशन मास्टर स्टेशन मैनेजर सुपरिटेंडेंट ट्रेवलिंग अप्रेंटिस कमर्शियल अप्रेंटिस करते करते धीरे धीरे सेक्शन इंजीनियर होता है डीआरएम होता है जनरल मैनेजर होता है बोर्ड मेंबर में जाते हैं। ऐसे करते करते रेलवे बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं तो खत्म करिएगा ना इसको, कौन सीनियर है डिसीजन लेने के लिए? तो उस रेलवे विभाग का कैबिनेट मंत्री, अभी रेलवे विभाग के कैबिनेट मंत्री अश्वनी वैष्णव, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह सुरक्षा विभाग सेना में देखेंगे नीचे से शुरू हो जाएगा एकदम, यहाँ सिपाही लांस नायक नायक हवलदार कंपनी हवलदार मेजर बटालियन हवलदार मेजर नायब सूबेदार 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 मेजर लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जनरल फील्ड मार्शल। तो फौज में इतना डिपार्टमेंट है, ऊपर कोई ना कोई रहेगा ना, कोई किसी ना किसी को तो रखना है। तो कैबिनेट मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह। तो हर डिपार्टमेंट का किसका हर डिपार्टमेंट क्या होता है? विदेश मंत्री में भी विदेश विभाग का भी अपना कैबिनेट मंत्री विदेश एस जयशंकर साहब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हर डिपार्टमेंट का सुप्रीम मंत्री क्या होता है? कैबिनेट। हम लोग जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे लोग, हम लोग को जाना था फौज में एनडीए से, पूरी डिपार्टमेंट सजा के रखे थे लो, अपने आप को सोचते थे लो अच्छा सिलेक्शन तो होगा एनडीए के थ्रू, सीधे लेफ्टिनेंट बनेंगे लोग एक डेढ़ साल के अंदर कैप्टन, दो साल से ढाई साल के अंदर मेजर, और उसके बाद कम से कम 12 साल आदमी को 15 साल मेजर पे रहना पड़ता है, मेजर बहुत लंबा सबसे ज्यादा प्रमोशन अटकता है मेजर और कर्नल पे जाके, सीधे यहां जाएंगे एनडीए या सीडीए से गए सीधे लेफ्टिनेंट डबल स्टार, एक साल डेढ़ साल के अंदर अंदर तीन टो ट्रिपल स्टार कैप्टन, फिर एक डेढ़ साल के अंदर अंदर मेजर, मतलब ये प्रमोशन ऐसा नहीं कि एक साल में हो ही जाएगा लेकिन होता है ये, और उसका मेजर पर रोक देगा आपको 10 से 15 साल मेजर बनिए कंपनी को पूरी तरह कमांड कीजिए, उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल ले जाएगा, और उसके बाद फिर आपको रोकेगा 10-15 साल तब जाके ब्रिगेडियर फिर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट, बूढ़ा कौन चाहिए उदरिया जाने में सीटों तो कम रहता है, धाराधर सबको भेजते जाए, एक को जनरल बनना है सबको भेजते जाओ यहाँ पे। नहीं जाओ यहाँ तो सबको साइड बाई साइड लाइन भी तो करेंगे वहां पे, और सबको थोड़ी प्रमोशन दे देगा वहां। हम लोग पूरा रट के रखे थे कि अच्छा इसी रास्ते से हम लोग को जाना है, जब नापा ना यहां से तो इसे दिल के अरमा आंसुओं में बह। रास्ते गड़बड़ा गए यहाँ पे, मेरा हाथ बहुत ज्यादा टेढ़ा है, अभी भी टेढ़ा है, अब कौन जी सीधा होगा दूनो अभी तो और टेढ़ा है। दिख रहा है इधर जाने के बाद इधर मुड़ गया है, ऐसे आने के बाद ऐसे मुड़ गया है, पता नहीं कैसे हो गया, मम्मी की लापरवाही, बचपन में तेल वगैरह सरसों लहसुन खौला के उसको सीधा रखा जाता ऐसे ऐसे, वहां मम्मी का हमरा को जी पता था तेरा फौज में जाना है। और हमने सुना दी हमरा को जी पता था कि ये सब भी नापता है सब यहाँ। तो हर विभाग का एक सीनियर होता है, उस विभाग के सीनियर को हम क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम कोई बात नहीं फौज में नहीं गए, तो अब हमारे पढ़ाए हुए लड़के जाते हैं सब, नहीं समझ में? अभी कुछ दिन पहले देखे थे 8वां रैंक लाया था और 3rd रैंक भी था उसका, दोनों एयरफोर्स में भी हुआ था और आर्मी में भी हुआ था, उसके सामने डबल दोनों रास्ते थे, लेफ्टिनेंट बनना है या फ्लाइंग ऑफिसर, एयरफोर्स में जाएंगे तो फ्लाइंग ऑफिसर सीधे लेके उड़ जाइए, थल सेना में जाएंगे तो लेफ्टिनेंट, नौसेना में जाएंगे तो सब लेफ्टिनेंट। सबके रैंक अलग अलग होते हैं ना, उसके नाम अलग, इसके नाम अलग, इसका अलग अलग, सबका अलग अलग होता है। अब आप लोग का जो छोटे भाई बहन होंगे उन लोग को भेजिएगा, अब तो फौज में लड़की भी जाने लगी है, बाप रे पाकिस्तान का क्या होगा। अब तो सोच के ही डर जाते रे बाप रे, अगर सामने जैसे चाइना और भारत के में गोली नहीं चलाने का समझौता है, रहेगी से तो सर आपने लेके तुम्हारा जमीन है ये, आने तुम्हारा बकोट देते हैं मुंह में, हम तुम्हारा गोली नहीं चला सकते, देखते हो नाखून बनाए बकोट देंगे ऐसे ही तुमको। हाँ लेकिन ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि नहीं? लोग शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे थे आप लोग,
लेकिन ये होना चाहिए, सही है। आज मशीनों की जमाना है, अभी सारी मशीनरीज की लड़ाई हो गई है, अब कोई भी बराबर हो सकता है।